हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास में, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने हमारे थ्री चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है उन थ्री चैप्टर्स में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हम डाउट सेशन ले लेंगे, एक क्लास ले लेंगे आप लोगों की, ठीक है? तो कमेंट करके बता दीजिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम वो सारी डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहे, ताकि आप इजीली चैनल को विजिट करते रहें और उसी के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप चैनल को विजिट करने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है? जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड होगी, उसी टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? ये आप लोगों के लिए इजी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? और वीडियो कैसी लग रही है आपको, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है और टू वेरिएबल्स में क्या होती हैं। अब इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इन सब चीज़ों को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, एक सिंगल डाउट भी रह गया ना, वो डाउट रहता जाएगा, आगे जाके वो पहाड़ बन जाएगा पूरा, ठीक है? तो हम कोई भी डाउट आपका नहीं रहने देंगे हमारी क्लास के अंदर, ठीक है? तो इक्वेशन क्या होती है, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी ये दो पॉलिनोमियल को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने का मतलब बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो वो पॉलिनोमियल ना बनके वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी? इक्वेशन। और पॉलिनोमियल क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो मीन्स एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स प्लस फाइव से मैंने इसको कंपेयर किया। अब यहाँ पे मैंने कंपेरिजन किया है ना, इज इक्वल टू के साथ मैंने कंपेरिजन किया है, तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। क्या है फ्रेंड्स? ये आपकी इक्वेशन है, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आ जाता है, वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। वो पॉलिनोमियल ना रह के वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर माइनस फोर एक्स, इधर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, थ्री माइनस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गई आपकी, एक इक्वेशन बन गई। और कौन सी इक्वेशन, अब पॉलिनोमियल की बात की थी हमने, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, अगर इसके आगे जीरो नहीं है तो ये कैसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अगर इसके आगे जीरो लगा दिया तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वन होगी। तो यानी कि अगर बात करें 2x plus 5 is equal to 0, तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हमें तो कितने वेरिएबल में बात करनी है, टू वेरिएबल में। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए हमारे पास, टू। तो टू वेरिएबल की देख लीजिए कोई, मान लीजिए यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 6, तो ये एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया हमारे पास, y। तो और दोनों की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। दोनों की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1। तो इट मीन्स ये क्या है हमारी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हम आज चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन कौन सी हमारी हैं, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ आया इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल में क्या होती है, वन वेरिएबल में क्या होती है, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट डबल है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन हमने कितनी मान ली, एक्स रुपीज़ मान ली, कितनी मान ली, एक्स रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने कितनी मान ली, क्योंकि टू वेरिएबल में लेना है, हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस हो जाती तो सीधा टू एक्स भी कर सकते थे ना, लेकिन हमने टू एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें टू वेरिएबल में चाहिए। हमने इसको क्या मान लिया, वाई मान लिया, हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया यहाँ से। अब क्या कह रहा है ये,
अब क्या कह रहे हैं, कौन डबल है, कौन डबल है, नोटबुक की कॉस्ट डबल है, किससे डबल है, पेन से डबल है। तो देखिए नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी डबल है, ये ऑलरेडी डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है। एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए इसकी कॉस्ट 3 रुपीज़ है, मान लीजिए पेन की कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 6। नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 6। अब दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, पेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट हमारी 2 है, नोटबुक की कॉस्ट हमारी 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, पेन को। तो दोनों को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पेन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसको उधर ले जाइए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x - y = 0। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप नोटबुक को x मानोगे, पेन को y मानोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y - आपका x आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x किसको मानते हो, आप y किसको मानते हो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई बात समझ, ठीक है। और जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी 2 वेरिएबल में, जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है हमारी, ax + by + c = 0। ये हमारी जो जनरल लीनियर इक्वेशन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax + by + c = 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको ना कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसको कंपेयर करना है, आपने किसके साथ कंपेयर करना है, ए बी सी के साथ कंपेयर करना है। आपने क्या करना है, कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं आपको, उनको इस फॉर्म में राइट करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 9.35 bar, इसको आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में तो जीरो है ना, जीरो है, तो कीजिए इसको कैसे राइट करेंगे, 2x + 3y - 9.35 bar = 0। अब कंपेयर कीजिए यहाँ से, ए की वैल्यू एक्स के साथ वाला वेरिएबल ये होता है ना, एक्स के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 2। वाई के साथ बी है, तो वाई के साथ वाला क्या हो गया यहाँ से बी कितना हो गया 3। और सी के साथ साइन भी देखना है हमने, सी के साथ साइन प्लस है, और यहाँ पे सी के साथ साइन क्या माइनस, तो माइनस का आ जाएगा ना, तो यहाँ से सी की वैल्यू -9.3 bar आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -9। इसने बोला था कि कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, यानी कि इक्वल टू 0 हमें बनाना है, बाकी सारे फैक्टर इधर ले आने हैं, ठीक है। फिर इसने बोला है कि a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए और c की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये हमने निकाल दिया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, x - y / 5 - 10 = 0 कीजिए कंपेयर। ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में पड़ी है, = 0 पड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे, x के साथ क्या है वेरिएबल, x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है 0 है, ये नहीं है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x आएगा 1 के साथ करने पे x आता है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। b की वैल्यू देखिए, ये माइनस साइन भी देखना है हमें, और 1/5, तो b की वैल्यू कितनी होगी -1/5। c की वैल्यू यहाँ -10 है, वहाँ पे c प्लस है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -10 आ गई, c की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -10। तो ये हमें ऐसे कंपेरिजन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -2x + 3y = 6। पहले तो उसकी फॉर्म में राइट करना है, उसकी फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x + 3y - 6 = 0, क्योंकि 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, a कितना है -2, यहाँ पे a है, यहाँ पे -2 है, तो a -2। b कितना है 3, b यहाँ पे 3। c कितना है, वहाँ पे c पॉजिटिव है, यहाँ पे c नेगेटिव है, तो c कितना आ गया -6 आ गया, c कितना आ गया -6। नेक्स्ट देख लीजिए, x = 3y, ठीक है। इसको इधर ले आइए, इधर आके क्या हो जाएगा, x - 3y = 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं, +0 = 0 कर सकते हैं ना, नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, अब कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x के साथ क्या है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2x - -5y
इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो। वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या कर देंगे, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो 2, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 5, और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें y का नहीं है ना, y का फैक्टर 0 है, तो 0 इंटू वाई क्या होता है हमारा, 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 इंटू वाई 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 3 आई, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 0, और c की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2 आई। c की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2 आई। चीज़ें समझ में, तो ऐसे हमें कंपैरिजन करना है, ऐसे हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। नेक्स्ट देखिए, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल, अब इसमें x का नहीं है तो x वाले को क्या लिख सकते हैं हम, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यानी कि a की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो a कितना आ गया यहाँ से, 0। b y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब क्या है, y के साथ 1, तो b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 1। अब c यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो c की वैल्यू यानी कि कितनी आ गई यहाँ से, माइनस 2 आपके पास वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, या इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए। मान लीजिए आप 5 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें y का फैक्टर नहीं है तो y के फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a x के साथ क्या है, 2, a की वैल्यू कितनी आई, 2, y के साथ क्या है, 0, तो b की वैल्यू कितनी आई, 0, और c की वैल्यू कितनी आई, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 आपके पास c की वैल्यू आ गई। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है, कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी हमारी, कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिकॉज टू वेरिएबल में है तो टू वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स और वाई। आप जरूरी नहीं है आपने दो वेरिएबल एक्स और वाई ही लेने हैं, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है हमारी, ए टी प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। टी और एस भी हमारे वेरिएबल हैं, टी और एस भी हमारे एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई चीज़ें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। 4.2 में क्या है कि आपको सॉल्यूशन बताना है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब जनरली आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हमने लास्ट उसमें किया था, रूट होते थे, रूट क्या होते थे, जो उसको सेटिस्फाई कर दें, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, वो क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे। किसके होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब बिकॉज टू वेरिएबल हैं तो इसके अंदर कितने क्या होंगे, एक्स की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी और इसके अंदर वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब बोला इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, y की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, यही मतलब हुआ ना सॉल्यूशन का, कि जो मैं x, अगर आप लीनियर में बात करते हैं, चलिए वन वेरिएबल में बात करते हैं, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, निकाला था आपने इसका रूट क्या होता था, इज इक्वल टू 0 करते थे, तो वो इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसका, पॉलिनोमियल का तो रूट होता है, रूट क्यों होता है उसका, क्योंकि उसके वो इक्वेशन नहीं होती है, उसके इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसमें 0 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या बोल देंगे उसका, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 बाई 3 इज इक्वल टू कितना सॉल्यूशन आ गया, 1। तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, क्या इसका सॉल्यूशन है। आई चीज़ें समझ में, ये तो वन वेरिएबल में बात, कि x की वैल्यू हमने पुट की तो वहाँ से क्या आ रहा है हमारा, 0। अब हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, कितने वेरिएबल आ गए, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करें और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जब रखेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू रखने पे आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताएंगे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और क्यों होंगे।
ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपने y को 1 रख दिया, लेट y को आपने 0 रख दिया, y को क्या रख दिया आपने 0, तो y को 0 रख दिया तो 3x plus 5 is equal to क्या हो जाएगा 0, इधर आके 5 किस चीज का हो जाएगा माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई में है x के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 5/3, y को 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 5/3, यानी कि एक सॉल्यूशन मिल गया आपको क्या, x y 0 है तो x कितना है माइनस 5/3, ठीक है। और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था कि x y को आप कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पहले x आता है और बाद में क्या आता है y आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x की वैल्यू ये पुट करके देखिए, y की वैल्यू ये पुट करके देखिए, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। चलिए और करते हैं, y को 1 पुट कर लीजिए, मान ले y को आपने 1 माना तो 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, बताऊंगी प्रूफ करके भी बताऊंगी, ये चीज़ें डरने वाली जरूरत नहीं, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आई माइनस 4/3, तो सेकेंड सोल्यूशन क्या आ गया x माइनस 4/3 और y कितना है 1, तो सॉल्यूशन को कैसे राइट करते हैं टू वेरिएबल में, पहले x का फैक्टर लिखते हैं बाद में किसका फैक्टर लिखते हैं y का फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y के 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो निकला है उसको 0 के साथ लिखना है और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो निकला है उसको 1 के साथ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, मान ली y को 2 पुट कर दिया आपने, तो 2 पुट करेंगे तो 3x प्लस 5, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1, तो थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया माइनस 1 और 2 आपका सॉल्यूशन आ गया, थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया माइनस 1 और 2 सॉल्यूशन आया। ऐसे ही आप x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू निकलती जाएगी, y की वैल्यू रखते जाएंगे x की वैल्यू निकलती जाएंगी, मीन्स ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी सॉल्यूशन हो जाएगा, किसका सॉल्यूशन 3x plus 5 is equal to y का सॉल्यूशन। क्या ये एक सॉल्यूशन निकला है, क्या दो सॉल्यूशन निकले हैं, क्या तीन निकले हैं, जैसे जैसे हम वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे डिफरेंट सॉल्यूशन आते जाएंगे, इट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, आई चीज़ें समझ में, क्योंकि हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमारे सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, एक फिक्स सॉल्यूशन तो नहीं आया ना, हम वाई की वैल्यू 3 रखेंगे या एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू कुछ हो रहेगी, एक्स की वैल्यू 1 रखना, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, y कितना आया 8 आया, एक सॉल्यूशन क्या हो गया 1 और 8 हो गया, x की वैल्यू 2 रखना है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखना 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, y कितना आ गया 11, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 2 और 11 हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब इनको वेरीफाई करके दिखाएं, हम करें वेरीफाई, चलिए फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, 1 8 1 8, x कितना है 1 और y कितना है 8, तो राइट साइड में 8 और लेफ्ट में x कितना है 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 8 इज इक्वल टू 8, क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये सॉल्यूशन, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आ रही है, आ रही है ना, तो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है वो क्या हो जाती है उसका सॉल्यूशन हो जाती है, तो ऐसे हमें सॉल्यूशन निकालने, या तो आप एक्स की वैल्यू रख के निकाल लीजिए या वाई की वैल्यू रख के निकाल लीजिए, आपके सॉल्यूशन आते जाएंगे, और कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अभी देखिए, राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फोर सॉल्यूशन आपको लिखने हैं, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फोर सॉल्यूशन लिखने हैं, लिखते जाइए, मान लीजिए पहले x को 1 पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट किया तो क्या आया 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो आप सॉल्यूशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपकी मर्जी है आप कैसे करते हैं, x y, x की वैल्यू कितनी रखी 1, y की वैल्यू कितनी आई 1 5, ये आपका क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन गया सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ 2x plus y is equal to 7, आपको ऐसे ईजी लगता है लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे ईजी लगता है लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन, वो अपने आप समझ जाएगा
कि x यहाँ पे क्या है 1 है, y यहाँ पे क्या है 5 है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप x और y को कैसे राइट करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करते हैं. कैसे राइट करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट. तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, 1 5. फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था कि ऐसे सॉल्यूशन लिखे हुए थे, फिर हमने उसको इसमें चेंज किया था, ऑर्डर पेयर में चेंज किया था ना, तो वही सेम चीज़ है. अब x की वैल्यू 2 कर दीजिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3. तो x 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 3. तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, 2 3 4 फाइंड आउट करने हैं ना. अब x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू कितनी आई 1. वाई की वैल्यू कितनी आई 1. अब x की वैल्यू जरूरी नहीं है आपने 1 से स्टार्ट करना, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मान लीजिए x की वैल्यू 0 पुट कर दी, x 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0 तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7. तो x को आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 7. तो 4 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, 1 5 2 3 3 1, और फर्स्ट क्या था आपका 0 7. तो ये आपके कितने सॉल्यूशन आ गए, 4 सॉल्यूशन. जितने सॉल्यूशन वो मांगे उतने सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. हुई चीज़ें क्लियर, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जरूरी नहीं है आपने 0 1 2 3 4 पुट, जो आपका मन करे वो पुट कर देना. जरूरी नहीं आपने एक्स को पुट करना है, अब वाई को पुट कर लीजिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है. लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू लिखनी है आपने. एक्स को 1 पुट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगी वही वैल्यू आपने उसके साथ में पेयर में लिखनी है. ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आई और वाई की वैल्यू यहाँ से 3 आई तो 1 3 लिख देंगे, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. जिसके एक्स के एक्स को रखने पे जो वाई की वैल्यू आएगी उसी का आपने ऑर्डर पेयर बनाना है, और किसी का ऑर्डर पेयर नहीं बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स. कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट. x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, हमें बताना है कि कौन से सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है. पहला क्या दिया हुआ है, 0 2 0 2. सॉल्यूशन होगा तो मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा. x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2. पुट कीजिए इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2. अब लेफ्ट साइड में क्या आया, माइनस 4. क्या माइनस 4 4 के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है. इट मीन्स 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 2y माइनस एक्स वाई 2y इज इक्वल टू 4. ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. ऐसे हम सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए 2 0. नेक्स्ट चेक करना है क्या 2 0 इसका सॉल्यूशन है. कीजिए 2 0. 2 0 मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4. 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल. क्या 2 4 के इक्वल है, जी नहीं, 2 4 के इक्वल तो नहीं है. इट मीन्स ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, 2 0 भी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ. नेक्स्ट चेक कीजिए 4 0. 4 0 एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 0 यानी कि 4 4 इज इक्वल टू 4. ये सेटिस्फाई कर गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया किसका, इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का. आ रही है चीज़ें समझ में, जा रहा है दिमाग के अंदर, अच्छे से कर रहे हैं हम, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 2 और 4 रूट 2. एक और चेक कर लेते हैं, रूट 2 और 4 रूट 2. थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, ये मैं करवा देती हूँ इसको, ठीक है. चलिए एक्स की वैल्यू रूट 2 और वाई की वैल्यू 4 रूट 2. रूट 2 मीन्स एक्स की वैल्यू रूट 2 पुट कर दी और वाई की वैल्यू 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए. यहाँ पे देखिए रूट 2, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8 रूट 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ से रूट 2 कॉमन आ रहा है ना, रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये 8 रूट 2 है, ये रूट 2 है, तो माइनस 7 रूट 2 आया. माइनस 7 रूट 2 तो 4 के इक्वल नहीं आया, माइनस 7 रूट 2 तो हमारा 4 के इक्वल नहीं आया. इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इसका नहीं है. नेक्स्ट एक और है बस, लास्ट 1 1 चेक करना है आपको. क्या चेक करना है, 1 1 सॉल्यूशन है या नहीं है. तो पुट कीजिए इसमें 1 1. एक्स की वैल्यू 1 पुट कीजिए,
वाई की वैल्यू 1 पुट कीजिए इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये तो होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपको चीज़ें दी हुई हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, वो बोले कि सॉल्यूशन चेक करो है या नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, हम ऐसे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या है वो देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन, 2x + 3y इज इक्वल टू k, 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब ये बोल रहा है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब सॉल्यूशन है, इसने बोल दिया सॉल्यूशन है, हमें चेक नहीं करना है या नहीं है, इसने बोला है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, इसका मतलब लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, राइट साइड के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एज 2 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, 2 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 3 × 1 इज इक्वल टू k आएगा। अगर हमें ये नहीं पता होता ना इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हम, क्योंकि प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किए थे सॉल्यूशन नहीं थे तो नॉट इक्वल टू का साइन आया था ना हमारे पास कि 4 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो लेकिन इसने सॉल्यूशन दे दिया इसलिए इक्वल टू हमारा चल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इसने सॉल्यूशन बोला है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 2 × 2 इज 4 और 3 × 1 इज 3, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7 आ गई, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7 आ गई। आई चीज़ें समझ में, तो यानी कि इक्वेशन क्या बनी आपकी, 2x + 3y इज इक्वल टू 7। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है कि 2 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यहाँ पे पुट करके देख लीजिए आप, 2 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू 7, 2 × 2 4, 4 + 3 7 इज इक्वल टू 7। तो यानी कि इसका क्या सॉल्यूशन है, 2 1 इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इसके और सॉल्यूशन निकालने हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 0 पुट कर, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो x 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से क्या आ गया, 3y इज इक्वल टू 7 - 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। तो यानी कि एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आया, 5/3 आपके पास आया। आई चीज़ें समझ में, अच्छे से हुई। अब y इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, y को 1 पुट करके देखना, 2x + 3 × 1 इज इक्वल टू 7। तो ये तो हमने निकाल, ये तो इसने दे ही रखा है, चलो कुछ और देखते हैं। y को 2 पुट करके देखते हैं, y को 2, तो 2x + 3 × 2 इज इक्वल टू 7, 3 × 2 6, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 6 कितना बचा आपके पास, 1 बचा, 7 - 6 इज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 1/2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उनको चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई अननोन नंबर हमें दिया हुआ है, कोई भी अननोन नंबर हमें दिया हुआ है तो हम वो भी चेक कर, वो भी निकाल सकते हैं अगर सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं, और सॉल्यूशन नहीं भी दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है तो उससे भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो हम पेयर ऑफ सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है अप टू 4.2 तक, फर्स्ट से लेके 4.2 तक कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वो रिजोल्व कर दिया जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माई फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।